आप बताती ना, हमको चाय बनाते नहीं है ना, आप बता दी। फाइनली जो है ना पहुंच गए थे खान पर, बस सामने तो आप निकल रही थी उसे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? माशाल्लाह जी, गाड़ी में बैठ चुके हैं, हसन को मैंने उठा लिया, हसन जो मेरे पास है जी, फाइनली पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। बेबू ने जो है रोटी उठा ली है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फजर अदा कर ली है, तो अभी जा रहे हैं घर की तरफ। तो ऊपर मौसम जो है आज बादल बने हुए हैं इस साइड से भी और इस साइड से भी, हवा बिल्कुल बंद है। इधर देखें माशाल्लाह बच्चे लोग भी मस्जिद जा रहे हैं और इस साय के ऊपर जो है ना परिंदे तस्बीह बयान कर रहे हैं सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फूल की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे, जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं वो हमारे चैनल को कल सब्सक्राइब लाइक शेयर चलते इसी द्वारा नल व्लॉग की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, हम भी नए व्लॉग के साथ हाजिर हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आसमान पर झूठ बना हुआ है, हवा बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो अल्लाह पाक रहमत की जो है बारिश दे दे, तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं माशाल्लाह। इधर देखें सहन में झाड़ू वगैरह भी लग चुका है और हमने टोका अभी अभी किया है, जानों को चारा भी डाल दिया है। तो ऊपर देखें परिंदे चहल चहा कर रहे हैं, थोड़ा सा चारा बचा हुआ वो देखें ताज़ा, बाकी हमने डाल दिया है। और इशरत जो है तैयारी कर रही है मस्जिद जाने की, मस्जिद जा रही है, आरिशा भी उठ चुकी है, ये भी मस्जिद जा रही है। महबूब उठ जाओ, शाबाश बेटा उठो, सब जा रहे हैं मस्जिद, तुम सो गए हो। अयूब उठ जाओ, शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे के साथ ठीक है, आप सब बहन भाई की दुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का टाइम हो चुका है, हम भी हाजिर हो चुके हैं। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल कर ले सब्सक्राइब, लाइक शेयर, अच्छे से कॉमेंट करें, वीडियो कॉल बात करें। तो सुबह का नाश्ता बना रही है इंशाल्लाह, ये देखें हम आटा भी गूंद रहे हैं, तो आटा गूंद के बाद मैं तंदूर जलाऊँगी, तंदूर जला के रोटी बनाऊँगी, तो आप बहन भाई से तैयार करूँगी। हाँ जी, सुबह का नाश्ता बन रहा है माशाल्लाह, आटे की गुनाई शुरू कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, हवा बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए मुर्गियाँ भी आटा खाने आ गई हैं, वो देख लिया है ना आटा गूंद रही हैं। और इधर मुर्गा भी आ गया है, इस साइड से मुर्गी आ गई है, दोनों आ गए खाने के लिए, मेरे को भूख लगी है ना। माशाल्लाह जी, वाइफ ने जो है आग जला दी है तंदूर में, सुबह सुबह माशाल्लाह आग लंबे निकाल रही है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आटा गूंद लिया मैंने, अभी तंदूर में आग भी जला दी है, इंशाल्लाह ये लाल होगा, बाद में रोटी बनाऊंगी। हाँ जी, मौसम ही अभी तक का गर्मी बहुत है, हवा भी नहीं चल रही, तो बादल बने हैं इंशाल्लाह, अल्लाह पाक बारिश देगा रहमत की। हाँ, इंशाल्लाह, क्योंकि सारी मट्टी है ना, इतनी मट्टी है कि बहन भाइयों को शेयर कर देता हूँ, साय के ऊपर पत्थर के ऊपर जो है ना ये हवाएं चलती रहती हैं ना, ये देखें ये इनके ऊपर सारी मट्टी ही मट्टी है, ये देखें ये मट्टी से ना सारे डट्टे हुए हैं। हाँ। दरख्त भी हवा चलती है ना, बारिश तो नहीं आती ना, जब हवा आती है वो मिट्टी और के पत्तों में बैठती है। हाँ, तो हमारा हाल भी ऐसे है ना। हाँ। जो हम तो रात को शाम को सोते हैं, सुबह उठते हैं, ऐसे होता है जैसे हमें खांसी हो गई हो। हाँ। दम्मे की तरह, दम्मे की तरह सांस भी नहीं निकल आती, ये मिट्टी की वजह है सारी। हाँ। जब अल्लाह पाक बारिश देगा ना। हाँ। तो सारी ये मिट्टी भी धुल जाएगी और हवा जब चलेगी मिट्टी नहीं उड़ेगी। हाँ। ये बंदे की सांस भी अच्छे तरीके से चलेगी। हाँ। तो साये भी ऐसे सड़ जाते हैं जब इनके ऊपर मट्टी खत्म हो जाता है ना। देखे पात्र भी साफ तले नीचे गिर रहे थे, अभी भी देख
पीला कलर कर रहे हैं। मट्टी जब उसके ऊपर बैठ जाते हैं ना, हाँ। तो वो मट्टी से ना इनके पत्ते झड़ जाते हैं। हाँ, वो गर्म होती है ना मट्टी, जब वो गर्म होती है पत्ते भी खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, इधर सुमैया और बुशरा जो है सो रही है, अभी इनको नींद है। ये देखें, ये देखें, खजूरें भी लाल होने वाली हैं, रंग जो इनका आ चुका है हल्का सा। इंशाल्लाह 10-15 दिन बाद में है ना ये बिल्कुल पक जाएंगी। माशाल्लाह से ये देखें, सूरज भी तुलू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बादल है ना तो आज कलर कम है बादलों की वजह से। माशाल्लाह से तंदूर भी लाल हो चुका है, इसने पेड़े बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का नाश्ता जो है हमारा रेडी हो रहा है। हाँ जी, अभी रोटी बना रही हूँ, खाने का कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है खाने का, रात का दलिया बनाया था ना। हाँ जी, तो अभी सारा नहीं है। तो रोटी की बना रही हो? अब कोई चीज ढूंढ के बच्चे लोग नाश्ता कर लेंगे। लस्सी तो मिल जाएगी? हाँ, लस्सी थोड़ी बहुत ही मिल जाती है ना, वो लेके इंशाल्लाह नाश्ता भी कर जाएंगे। सही है। चलें जी, माशाल्लाह पहली रोटी जो है बन चुकी है, तंदूर में लगा रही है। बिस्मिल्लाह। अयूब खान जूते साफ कर रहा है, धुलाई हाँ, कर रहा है ना, तैयारी है इसकी कहीं जाने पे, तो सुबह सुबह तैयारी कर रहा है। अच्छा। हाँ जी, सुमैया भी उठ गई है। हाँ जी। फिर उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो। हाँ जी। हाँ? हाँ जी। हाँ, नींद कर ली है? हाँ जी। अच्छा, सही है। गर्मी है? हाँ जी। गर्मी है, हवा चल रही है अभी थोड़ी थोड़ी सी, अल्लाह पाक हवा देगा है ना। चलें जी, माशाल्लाह रोटी जो है हमारी पक चुकी है, तो अब जो ये मेरे ख्याल में रूम में आ चुके हैं, तैयारियां शैरियां कर रही है। हाँ जी, अभी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि टाइम लेट हो रहा है ना। हाँ जी, तो आज हमारी सब अहमद के घर तैयारी बन गई है, तो इंशाल्लाह आयशा और शाहिद भी आने वाले हैं, उनका हाँ। इंतजार भी है, वो भी आ जाएंगे, फिर इकट्ठे चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये कपड़े की सिलाई कर रही है कोई, त्रोपा उधर आया है ना। इधर माशाल्लाह कपड़े की सिलाई शुरू हो चुकी है। हाँ, जो त्रोपे उधड़े हुए थे है ना, ये न्यू कपड़े लिए थे महबूब अयूब खान के, तो वो सिले तो कच्ची त्रोपाई होती है ना, तो टाके टूट जाते हैं। सही है, इसलिए ये सिलाई कर रही हूँ मैं। चलें जी, नाश्ता वगैरह कर लें, कपड़े शपड़े जो है इसमें बैग में डाल दिए हैं, सारे बच्चों को भी डाल दिए ना, बच्चों को भी डाल दिए है, तुम्हारे भी डाल दिए, हम आपने भी डाल दिया है। सही है। हाँ जी, तो हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, बस नाश्ता भी करना है, तो इंतज़ार है शाहिद और उषा की, वो भी आने वाले हैं इंशाल्लाह, वो आ जाएंगे फिर रवाना होंगे सफ़र की तरफ। सही है। तो इंशाल्लाह जो बहन भाई हमारे देखने वाले हैं, दुआ करनी है क्योंकि हमारा सफ़र एहसान हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी साथ में हैं। हाँ, तो गर्मी है। हाँ, गर्मी बहुत है। यो कौन रेडी हो गए हैं? हाँ जी, वाह जी। बुशरा भी रेडी हो गई है? हाँ, बुशरा भी रेडी है, पता नहीं क्या कहती है। हाँ जी, बुशरा क्या कहती है? नाश्ता करना है, नाश्ता करना है, इधर देखो, नाश्ता करना है, नाश्ता करना है, नाश्ता करो फिर चलते हैं। हाँ जी, करते हैं। इधर जा रहे हैं बेबो के घर। हाँ जी, हसन जब जाएगी ना बेबो, इसकी मार निकालेगी ऐसे ना। नहीं, वो खेलते हैं इकट्ठे, वो प्यार करता है ना, छोटे बच्चे हैं, वो कहता है मैं मारता हूँ ना ये खुशी से, बस पता नहीं चलता उसको, तो वो परले की तबीयत बांध हो दी है ना। ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं बहन। चलें जी, माशाल्लाह शायद बेटा और
आयशा बेटी का बैग भी आ चुका है, उनकी बैग भी आ चुकी है। तो बच्चों को चीज़ें दिलाने गई थी। हाँ, वो चीज़ दिलाने गई थी क्योंकि रात वो जो घी लिया था ना वो भी पैसे देने हैं। अच्छा, वो भी दे दिया है और चीज़ भी ले आए हैं बच्चे। सही है, बकाया आपका ये है। ठीक है, ये बच्चों को देनी है ना खर्ची। तो इंशाल्लाह बच्चों को दो, तो जाना है सफ़र के साथ, टाइम ओवर हो रहा है। नाश्ता तक करो। नाश्ते की कुछ है भी नहीं, क्या करूँ नाश्ता, ऐसे खानी है तो लून मार के मिर्चा तलब नहीं है। हाँ, तो हमको तो भूख नहीं लगी है, जब खाने की कुछ हो तो भूख भी लग दिया है। सही है। हाँ जी, तुम्हें तुम रेडी हो गई हो? हाँ, माशाल्लाह। चलें, नाश्ता खा लिया है? चलें जी। अयूब खान भी रेडी हो चुका है और बुशरा भी रेडी हो चुकी है। तो वो पतीला फलो रही है, रात वाला दलिया रखा है मीठा, कपड़ों को लग जाएगा, इधर आ जाओ। थोड़ा सा आप रेडी हो गई हो? हाँ जी, हम भी रेडी हो चुके हैं। अच्छा जी, चले बच्चों से मिलते हैं, ताहिर खान यकूब खान उनके काम जिम्मे लगाते हैं, जानवर वाला चारा चारा जो बनाना है ना। तो और आयशा शायद भी आ गया, उन आ गए हैं, तो आ जाओ। हाँ जी, हम जा रहे हैं। सही है, तो आपको जो काम जिम्मे लगाया है ना जानवरों वाला, एक घंटा शाम को एक घंटा सुबह ताज़ा फ्रेश फ्रेश घास काट के टोका लगा के भूसा नहीं मिक्स करना है, बस ऐसे डाल देना है बस। आज इसकी बंदर खाली करें, फुल हो ही पड़ी है, वो अगोली नहीं खाते ना, पक्की है। आज इनको पानी पिलाना, छांव पे बांध दिया। सही है। हाँ जी अबू जान, अभी हम जा रहे हैं सब्बा अहमद के घर। ठीक है, ये सो गया है, अभी इसको नींद है। आपकी खर्ची दे दिया ताहिर खान को। सही है। हाँ, और सऊदों के पैसे भी दे दिया है मैंने, जो सब्जी वगैरह घी वगैरह लेनी है वो भी दे दिए हैं। जो काम पड़ जाएंगे तो असद भाई से ले लेना फिर बाद में। सही है। हाँ जी, रेडी हो गए हो? हाँ जी, आप भी आ गए हो? हाँ जी, रेडी हो? हाँ जी। चलें जी, माशाल्लाह, आ जाओ फिर। चलें चलें। टाइम क्या हो गया है? टाइम हो रहा है अभी सवा सात। हाँ, सवा सात। हाँ, नहीं नहीं, साढ़े सात तकरीबन उधर पहुंच जाए। पौने आठ बजे, आठ बजे आती है वो अल्फरीद, आठ बजे या आठ बजे से पाँच दस मिनट ऊपर या पहले वो आ जाता है। तहर मोबाइल लगाने गया है फिर को आखे से। ओ, अक्सा भी आ गई है, तुम भी जा रही हो? अच्छा, चलें जी बैग ले आओ। हाँ जी, लेके आ गई हूँ। तो इधर रखो, उठा के बैठना है। देखो वजन सेव करके, ऊपर खड़ जाए तो खड़ा हो। खड़ जाएगा, वजन नहीं है इतना। चलो खड़ा हो। तो माशाल्लाह ये देखें, बैग पे ऊपर है जरा ना, हमारा कपड़े वाला बैग लटका रहा है, तो अभी हमारी तैयारी ओके हो गई है। ठीक है, ये फाड़ गया। चलें जी, माशाल्लाह अभी रवाना हो चुके हैं अपने सफ़र की तरफ। माशाल्लाह, तो जा रहे हैं बस अड्डे पे, तो वहाँ से बैठना है हमने अल-फरीद के, तो वहाँ से बैठ के जाना है हमने। तो इंशाल्लाह पीछे भी हमारा मोटरसाइकिल आ रहा है शायद, और आयशा बेटी भी आ रही है, ताहिर खान भी आ रहा है, क्योंकि वो बाइक वापस ले जाएंगे, हम बस पर जाना है ना। तो इसीलिए माशाल्लाह ये देखें, फसलें की काश्त माशाल्लाह बहुत अच्छी खासी काश्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम भी बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो चल रही है। वो देखें सामने शुरू हो चुका है। चलिए जी, हम अड्डे पे पहुंच चुके हैं, ये अड्डा, और यहाँ से आएगी अल-फरीद, तो हमने जाना है इधर इस साइड पे। तो हम बाइक जो हमारी ये खड़ी है सामने। चलें जी, माशाल्लाह ताहिर खान जा रहा है बाइक अपनी लेके, और मुदस्सिर साहब भी जा रहे हैं, ये अपने घर वापस जा रहे हैं।
तो हम खड़े हैं इंतजार आल फरीद की, वो इधर से आनी है। तो सब लोग इधर रेडी हैं, इंतजार में हैं। तो उस साइड पे चले जाए ना, आ जाएं, बैग भी उठा लें। तो उस साइड पे आएगी ना बैठने वाली जगह, उस साइड से होती है, रोड है आगे, पता है। चलें जी, आल फरीद जो हमारी आ चुकी है, अब इस पर बैठना। फाइनली जो है ना पहुंच गए थे खानपुर अड्डे थे, बस सामने तक गुजरती पी होते, गाड़ी अहमद आ गई है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, चले बैठे। हाँ माशाल्लाह जी, गाड़ी में बैठ चुके हैं, हसन को मैंने उठा लिया, हसन जो मेरे पास है हसन, और बेबो भी मेरे साथ बैठा है, ये बैठा है, और ये जो है लगा रहा है ना बेबो। चलें जी, फाइनली पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। बेबो ने जो है रोटी उठा ली है, जाके जा रहा है घर की तरफ, बाकी सब लोग आ रहे हैं। बात तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाँ गाड़ी में टेम्परेचर 20 था, इधर 50 है बाहर, हम पेट तिड़कती पिए। चलो पे, चलो पे, बटन मारो ट्यून सी सी, खुला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। अच्छा जी, माशाल्लाह से फैमिली फैमिली हमारे मेहमान जो है माशाल्लाह से पहुंच चुके हैं, तो अभी जो है इनको अंदर लेके चलते हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है, और हम भी खुद जो है अभी जो है ना जल्दी से अंदर लेकर चलते हैं। वालेकुम सलाम, कैमरा पकड़ लिया और चलिए मैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आ जाओ। अहमद भाई भी दूध भी लेकर आए हैं। आप बताती ना, हम तो चाय बनाते नहीं है ना, आप बता देती तो फिर उसमें से दूध निकाल लेंगे। चलें जी, माशाल्लाह खाना हमारा रेडी हो चुका है, तो माशाल्लाह सब लोग दस्तरखान पर आ चुके हैं खाना खाने के लिए।